ईओडब्ल्यू ने शिवपुरी में सहकारिता समिति प्रबंधक के घर पर मारा छापा, बेहिसाब संपत्ति मिली। शिवपुरी जिले में सहकारी समिति पचावली के सहायक प्रबंधक माधुरी शरण भार्गव के विजयपुरम स्थित निवास पर गुरुवार की सुबह ईओडब्ल्यू की टीम ने छापा मारा। टीम को निवास से बड़ी मात्रा में गोल्ड, 3 आलीशान मकानों और भूमि के दस्तावेज मिले हैं। टीम कार्यवाही में जुटी है। ईओडब्ल्यू एसपी अमित सिंह के निर्देश पर गुरुवार की सुबह 5 बजे डीएसपी सतीश चतुर्वेदी, टीआई यशवंत गोयल, भीष्म तिवारी, योगेंद्र दुबे, शिवपुरी जिले में सहकारी समिति प्रबंधक पचावली माधुरी शरण भार्गव के विजयपुरम स्थित निवास पर पहुंचे। टीम ने जब दरवाजे की घंटी बजाई और परिवार के सदस्यों को पता चला कि ईओडब्ल्यू का छापा है तो सभी सन्न रह गए। टीम ने कार्रवाई में इतनी अचानक की थी कि परिजनों को कुछ छिपाने का मौका तक नहीं मिला। अभी तक की कार्रवाई में टीम के हाथ 3 आलीशान मकानों और बेशकीमती भूमि के दस्तावेज मिले हैं। वहीं भारी मात्रा में सोना भी प्रबंधक के निवास पर मिला है। इसके अलावा लॉकर की जानकारी लगी है, जिनको टीम अब खंगालेगी। सहकारी समिति पचावली में सहायक प्रबंधक के पद पर पदस्थ माधुरी शरण भार्गव की नियुक्ति साल 1995 में सेल्समैन के पद पर हुई थी। उस समय इन्हें केवल 500 मानदेय मिला प्राप्त होता था। वर्तमान में सहायक प्रबंधक के पद पर इन्हें केवल 12,500 का वेतन ही मिलता है। इनके वेतन से प्राप्त आय की गणना की जाए तो 26 साल में केवल 35 से 40 लाख रुपए का हिसाब होता है, लेकिन इन्होंने 26 साल की नौकरी में बेहिसाब संपत्ति बनाई है। पचावली के समिति प्रबंधक हैं श्री माधुरी शरण शर्मा भार्गव हैं से, तो इनके खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी डोलूको की, इनके द्वारा पदस्थापना के अवधि में अवैध कमाई कर करके लाखों करोड़ रुपये संपत्ति अर्जित की गई है। इस शिकायत की गोविंद से सत्यापन किया गया और जांच पर सही पाए जाने पर माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज एसपी ईओडब्ल्यू ग्वालियर सी अमित सिंह साहब के निर्देशन में एक टीम के द्वारा सुबह 5 बजे तड़के आज इनका छापा डाला गया है। और छापे में इनके घर से मकान, जमीन, दुकान के काफ़ी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं, नकदी ज्वेलरी मिले हुए हैं। जी क्या कीमत मांगते हैं? अभी तो इसका प्रकरण चल रहा है, टीम कार्रवाई कर रही है अभी। काफ़ी संपत्ति है इनकी, जब भर्ती हुई थी तब इनको 500 रुपये तनख्वाह मिलती थी, आज इनकी तनख्वाह 12,000 के आसपास है और इनके पास संपत्ति मिली है लाखों करोड़ों की संपत्ति है।